सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग म्यूसो से कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लेते हो और वो ऑर्डर शिफ्ट हो जाता है यानी कि पैक हो जाता है, तो आप लोग उस ऑर्डर को कैसे कैंसिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा ये शिफ्ट ऑर्डर हो चुका है। मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे कैंसिल करेंगे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग, ये मेरी वॉच है, मैंने वॉच को परचेज़ किया है यहाँ पे म्यूसो की तरफ से। मैं इस प्रोडक्ट को शिफ्ट हो जाता है, इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आइकन नहीं मिलता है कैंसिल वाला, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ओपन ट्रैकिंग लिंक का आइकन मिलता है, यहाँ पे शेयर का आइकन मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई कैंसिल का ऑर्डर का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर आपको भी नहीं मिल रहा है, यानी कि जब आप लोग ऑनलाइन करते हो, यानी सॉरी, जब आप लोग यहाँ पे ऑर्डर करते हो, तो आप लोगों का 2 से 3 मिनट में यहाँ पे जो ऑर्डर कैंसिल का आइकन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 2 दिन रहता है, 1 दिन रहता है, उसके बाद शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ से को जो कैंसिल का आइकन होता है वो यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन आपको भी यहाँ से गायब हो जाता है, तो आप लोग कैसे इस शिफ्ट ऑर्डर को कैसे कैंसिल कर सकते हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है हेल्प सेंटर। आप लोग यहाँ पे हेल्प सेंटर पर क्लिक कर लीजिएगा। हेल्प सेंटर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे कुछ इस तरीके का रीज़न, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कोई भी रीज़न चुन सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को आई कैंसिल माई ऑर्डर। अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हो, तो पहले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आई कैंसिल कैन आई रिटर्न माई ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे कैन आई माई रिटर्न ऑर्डर पर क्लिक करके यहाँ पे जो रिटर्न प्रोडक्ट होते हैं यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। फिलहाल मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने मिलता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस, यहाँ पे देखने मिला है कॉल मी बैक, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कॉल, तो यहाँ पे 10:10 PM से लेके 7 PM तक होगी, यानी कि सॉरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने मिला है यहाँ पे 10 AM से लेके 7 PM तक यहाँ पे कॉल बैक हो जाएगी, यानी कि बैक कॉल जब आएगी तो आपके सुबह से लेके 10 बजे से लेके स्टार्ट होगी कॉल, और आप 7 PM पर कभी भी कॉल, इसके बीच में कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मेरे यहाँ पे कब 7 बज के यहाँ पे देख सकते हो, 7:20 हो चुके हैं, लेकिन अब 20 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते तो यहाँ पे कॉल नहीं लगा पाएंगे मैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कस्टमर केयर की कॉल लगाओगे, और उसके बाद 5 मिनट में कॉल आएगी, और आपको अपना जो शिफ्ट ऑर्डर होता है उसकी शिफ्ट आईडी, जो वाली ये वाली आईडी, ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे बता देनी, जैसे कि ये वाली ऑर्डर आईडी होती है, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ट्रैकिंग आईडी, ठीक है। ये वाली आपको ऑर्डर आईडी आपको कस्टमर को बता देनी होगी, ठीक है। और आपको कह देना कि सर, मेरा जो शिफ्ट ऑर्डर हो जाता है वो यहाँ पे मैं कैंसिल करना चाह रहा हूँ किसी रीज़न से, तो आप लोग उनको बता देना, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं कॉल लग रही है, यहाँ पे कॉल का आइकन नहीं मिलता है, तो फ्रेंड्स होम पे आना है। जैसे कि यहाँ पे होम पे आ जाते हैं, होम पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता कुछ इस तरीके का इंटरफेस, के बाद माई अकाउंट पे क्लिक करना है, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हेल्प सेंटर पे आ जाना, और यहाँ पे अपनी कोई भी रीज़न चुन लेना, ठीक है, इशू चुन लेना है। तो मैं यहाँ पे इशू चुन लेता हूँ। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पूरी प्रोडक्ट को चूज़ कर लेना, जो भी आपका प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाता है वो, जैसे मैं ये प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे रीज़न चुन लेना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगा के कॉल लगा कस्टमर केयर को बता देनी होगी, एक मेथड ये होता है। और दूसरा मेथड ये होता है कि आपका कोर डिलीवरी बॉय आपके पास आ जाता है, या फिर आपसे कॉल करता, तो आप लोग वो बता देना कि सर, मैं ये प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाह रहा हूँ, यानी इस प्रोडक्ट में लेना नहीं चाह रहा हूँ, तो आप लोग इस प्रोडक्ट को ले नहीं सकते, ठीक है। उनको बता देना कि हम प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहे, ठीक है। और वो आपके नंबर का, जिस नंबर से वो लगा होता है, उस नंबर पे एक OTP आता, तो आपको OTP वेरीफाई करने के लिए OTP मांगता, तो आप लोग OTP बता देना। ध्यान रहना चाहिए, आपने जिस शॉपिंग एप्लीकेशन से आप लोग ने प्रोडक्ट को परचेज़ किया, उसका ही OTP होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई OTP नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी कई यहाँ पे यूट्यूब पर स्कैम चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे चलता फेक भी चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे गूगल पे का, फोन पे का, पेटीएम, भीम UPI का, ये फेक चल रहा है। तो आपको यूट्यूब पे जो आपको वो बताएं, तो OTP ध्यान से बता देने होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा, तो आप लोग अपने हिसाब से इस शिफ्ट ऑर्डर को इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, कुरियर को अपने डिलीवरी बॉय से बात करके, ठीक है। तो बस यही थी आज की भी उसी वीडियो, जो आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।